रवि शास्त्री, लगते भी रवि शास्त्री जैसे हो, और बड़ा जबरदस्त आपने कास्ट किया है कबीर सर, मानना पड़ेगा। मैं क्योंकि इतने सालों से क्रिकेट कवर कर रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा था वाकई में रवि शास्त्री यंग रवि शास्त्री आ गए। तो अब बताएं आपका, आपके लिए भी कुछ जो था एक चैलेंजिंग था, आप शायद राइट आर्म बॉलर थे और फिर लेफ्ट आर्म, जी सर, तो उसके बारे में भी, और आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट इन दिस जर्नी क्या था आपके लिए? सर आई स्टार्ट, मैं जर्नी से स्टार्ट करता हूँ। जी जी, मैंने मेहनत करी बट पूरी टीम ने ही मेहनत करी है। सो चैलेंजिंग ये था कि मैं राइट आर्म बॉलर हूँ, सर लेफ्ट आर्म बॉलर है, एंड कुछ महीने लगे बट आई गॉट यूज टू इट। आई हैड अ गुड कोच बलविंदर सर, एंड या बिकॉज द टीम प्रोवाइडेड विद सो मच मटीरियल एंड आई हैड द राइट मेंटर्स एंड कोचेज अराउंड मी। So it took some time, but then I got used to it. But I just don't want to focus on my hard work because everyone's put in a lot of work. So it was just my character's work that it happened to be he's a left-arm bowler, and I had to do that, and I enjoyed it because it's a once-in-a-lifetime film, and you do your bit. And about the moments, sir, jo moments sabne bole hain, especially the cup moment. क्योंकि आप फिल्मों के पार्ट होते हो और आप सीन कर रहे हो, आप यूज्ड टू हो जाते हो कि आप, अच्छा ये फिल्म है, मैं रोज शूट करने जा रहा हूँ। लेकिन वो एक ऐसा मोमेंट था जब हमें लगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ स्पेशल हो रहा है, ये डिफरेंट है, बिकॉज आप रियल ट्रॉफी वहीं पे हो, एक्चुअल लेजेंड, जैसे सर ने बोला कि क्लाइव लॉयड वहाँ पे थे, क्लाइव लॉयड आए और मुझसे मिले, किसी ने इंट्रोड्यूस कराया कि ही इज प्लेइंग रवि शास्त्री, गुड लक मैन, आई मीन जस्ट द ऑरा ऑफ ऑल दीज लेजेंड्स। सो वहाँ पे मेरे को लगा कि ये कुछ स्पेशल हो रहा है, ये एक रेगुलर फिल्म नहीं है, एक रेगुलर शूट नहीं है ये। सो हाँ, यही, और बाकी ऐसे मोमेंट्स बहुत सारे थे, बट मैं जो हमारे रोज के जो छोटे छोटे मोमेंट्स है कि हम एक साथ ड्रेसिंग रूम में, जैसे बोला कि हमारी हार्डी ने कहा कि एक प्रॉपर टीम थी, हम सारे दोस्त हैं, तो हम जो एक दूसरे के साथ जो छोटे मोमेंट्स होते हैं कि आप मील साथ में कर रहे हो, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो साथ ट्रैवल कर रहे हो, वो सारी चीजें मेरे लिए अहम है। बिल्कुल, और बिल्कुल संदीप पाटिल का रोल किया उन्हीं के बेटे ने, चिराग ने, और संदीप पाटिल अपने फादर का किरदार निभा रहे थे, तो वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो जाता है अपने डैड का रोल करना। तो इस चैलेंज से कैसे आप एक तो निपटे, और दूसरी चीज आपके लिए ऐसा मेमोरेबल मोमेंट कौन सा था इस मूवी में, अपार्ट फ्रॉम द परफॉर्मेंसेस तो जो संदीप जी पाटिल सर के थे वो तो थे ही, इन चिराग के लिए क्या था इसमें? पहली बात तो जब कबीर सर ने कहा कि ये फिल्म करनी है, मुझे लगा कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं कभी क्रिकेट खेला नहीं हूँ, ना मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है। नहीं, ऐसा क्यों है? लेकिन क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, बचपन से नहीं है, और मैं कभी खेला भी नहीं हूँ। मतलब पहले दिन मैं जब अभी पिताजी क्रिकेटर है इसलिए खेलने गया, तो पिताजी ने बोला कि तू जिंदगी में नहीं खेलेगा, कुछ और कर ले। तो वो मेरा पहला और आखिरी दिन था। वो टैलेंट उन्होंने पहचान लिया। हाँ, उन्होंने पहचान लिया। तो मुझे याद है मैंने जब ऑडिशन दिया था और ऑडिशन में मुझे क्रिकेट खेलने को ही बोला, मैं कुछ 10 साल के बाद हाथ में बैट लिया था और पहले ही बॉल पे आउट हो गया। तो घर पे मैं आया, पिताजी ने पूछा कि कैसा रहा, मैं बोला गई फिल्म नहीं मिलने वाली। और फिर 2 महीना इनके साइड से कोई फोन ही नहीं आया, तो मुझे लगा किसी ने किसी और टीम से ड्रॉप हो गया। टीम से ड्रॉप हो गया। फिर 2 महीने बाद कबीर सर का फोन आया और फिर वहाँ से पूरा प्रोसेस शुरू हो गया, लेकिन बहुत डिफिकल्ट था। 8 महीने लगे उनके शॉट्स एटलीस्ट यू नो वो स्टाइल आने में, और वो जिस तरह से वो नी पे जाके शॉट्स मारते हैं। दिन में 4-4 घंटे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, 2 घंटा मैं ये टीम के साथ प्रैक्टिस करता था, फिर 2 घंटा मैं शाम को जाके मेरी पर्सनल प्रैक्टिस करता था। तो धीरे धीरे आ गया। तो डैड खुश है फाइनली जब मूवी देखी? अभी उन्होंने देखी नहीं है। हाँ। लेकिन वो अच्छा, टीम ने अभी तक नहीं देखी। बोला है कि हम सारी टीम एक साथ में बैठेंगे। क्या बात है, सारे ड्रेसिंग रूम एक साथ देखेगा यहाँ पर। तो अभी पता चलेगा कि हाँ। फिर भी वो जब पहला जो लुक आया तो उन्होंने कहा कि ये नकली असली लग रहा है। पता नहीं क्या फिल्म में क्या किया है, पता नहीं।